अजीब सा कानून आया है हमारे मुल्क में, एक अजब सा कानून आया है हमारे मुल्क में। हक जिसे भी चाहिए वो देश का गद्दार है, हक जिसे भी चाहिए वो देश का गद्दार है। दोस्तों, जिस तरीके से यह सरकार आज देश में हमारे अमन और चैन को खत्म करने की साजिश रच रही है, जिस तरीके से यह सांप्रदायिक माहौल को खड़ा करने की कोशिश कर रही है, जिस तरीके से आज संविधान के मूल्य भावना को खत्म करके अलग अलग तरह का कानून लाया जा रहा है, दोस्तों ये सरकार सिर्फ बोलती है, करती कुछ नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है, नोटबंदी के टाइम इसमें आप लोगों से क्या कहा था, काला धन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कहा था ना, आया क्या, आवाज नहीं आई, आया क्या। उसी तरीके से ये आप कह रही है कि घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए, लेकिन घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए ये क्या कर रही है, CAA और NRC जैसा एक वैसा कानून ला रही है जिससे संविधान पर चोट किया जा रहा है। उसी चीज को जब लेकर, उसी चीज के विरोध में जब हम छात्र युवा, हम आवाम जब सरकार से कहते हैं कि हमें तुम्हारी दरंगी हुकूमत नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी दरंगी हुकूमत नहीं चाहिए, तुम्हारे झूठे वादे हिंसक शासन नहीं चाहिए, तो वो कहते हैं तुम देशद्रोही हो। जब हम कहते हैं कि हमें शिक्षा और रोजगार चाहिए, सभी वर्गों को न्याय चाहिए, तो वो कहते हैं तुम देशद्रोही हो। जब हम कहते हैं कि मजदूरों को काम चाहिए और उनके काम का मुनासिब दाम चाहिए, तो वो कहते हैं तुम देशद्रोही हो। अरे यार, ये सरकार कैसी है? आप लोगों से कोई लोग, कोई भी वैसे लोग हैं जो अपने घर के बाड़ी को बेच के पार्किंग के लिए जगह बनवाई हो? नहीं। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है, देश के जितने भी एयरक्राफ्ट हैं उनको बेचकर ये 100 हवाई अड्डे बनवा रही है। ये सरकार जवाब लोगों से कहीं पूछे कि आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, आप खुलकर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, तो आप उनसे कहिए कि दोस्तों, साथियों, जिस तरीके से आज वो संविधान, जो संविधान हमें हक देता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन होने का, आज उसी संविधान पे हमला किया जा रहा है। इसीलिए हम उसको बचाने के लिए आगे हैं, आए हैं, लेकिन आप कहाँ हैं? आप उनसे कहिए कि आप पढ़े लिखे लोगों को अर्बन नक्सल कहा जा रहा है, हम उनके साथ खड़े हैं, आप कहाँ हैं? आप उनसे कहिए कि आज हमारे बहन बेटियों को कॉलेज कैंपस में शर्मसार किया जा रहा है, आज हम उनके साथ खड़े हैं, आप कहाँ हैं? आप उनसे कहिए ये CA NRC NPR इसमें सबसे ज्यादा गरीब लोगों को नुकसान है, आज हम गरीब दलित के साथ हम आवाज से आवाज मिलाकर प्रतिरोध की ताकत बन गए हैं, लेकिन आप कहाँ हैं? आप उनसे पूछिए, देश में क्या जरूरी थी अभी इस तरह का कानून लाने का, जब देश में छात्र नौजवान किसान परेशान हो, जब देश में छात्र नौजवान किसान परेशान हो, सीमा पर जवान आत्महत्या कर रहा हो, जब उसके बाद जब देश में वो लोग जिसने 2 टके में अपना ईमान गैर दिया, ये गोदी मीडिया वो दिन रात टीवी चैनल का बैठ कर हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान का डिबेट खड़ा करते हैं, ये सरकार सिर्फ सभी को उलझा के रखना चाहती है, ये आपके युवाओं के रोजगार बर्बाद नहीं करेगी, आपके तरक्की बर्बाद नहीं करेगी, ये सरकार सिर्फ अपने आप को उस ढंग से पेश करती है कि हम बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं, बहुत बड़े राष्ट्रवादी सरकार है, और इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई राष्ट्रवादी सरकार देश की राष्ट्रीय संपत्ति को बेच रही है। लेकिन दोस्तों, इस हम लोगों का इतिहास रहा है कि हम लोगों ने हमेशा सब दिन देश में जो भी पहले अंग्रेजों से लड़ा था, अब उसके कानून को जो फॉलो कर रहे हैं, अंग्रेजों के रूल को जो फॉलो कर रहे हैं, हम लोगों के भाईचारगी को जो खत्म कर रहे हैं, उनके खिलाफ पहले भी लड़े थे और हमेशा लड़ते रहेंगे। दोस्तों, ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं ऐसी बातों इसी सब बात पर अपना बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं ऐसे शख्स को बुलाना